अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। कॉकरोच में किस तरह से एक्सक्रीशन होती है? तो कॉकरोच में जो हमारे पास सिस्टम एक्सक्रीटरी सिस्टम है दैट इज़ मालपिजियन ट्यूब्यूल्स। मालपिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं कॉकरोच में, जो कि क्या करती हैं, एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। और ये बेसिकली होमोलिम्फ जो इसका फ्लूइड प्रेजेंट होता है, होमोलिम्फ से मालपिजियन ट्यूब्यूल्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को कलेक्ट करती हैं और उसको फिर बाद में फर्दर रिमूव करती हैं फ्रॉम द बॉडी। ओके, कॉकरोच अब वो वाहिद एनिमल है, कॉकरोच वो वाहिद ग्रुप है जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक और जो एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है वो सेम है, जिसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है और एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट दोनों सेम है। यानी जिस सिस्टम से डाइजेशन हो रही है उसी सिस्टम से एक्सक्रीशन हो रही है। सो होता क्या है, जो एपिथीलियम होती है, एपिथीलियम जो होती है इन ट्यूब्यूल्स की, जो एपिथीलियम है, जो आउटर कवरिंग है, वो क्या करती है, वो मटेरियल्स जो सॉल्ट्स हैं, ठीक है, और नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं, सॉल्ट प्लस नाइट्रोजनस वेस्ट, तो जो एपिथीलियम है वो सॉल्ट और नाइट्रोजनस वेस्ट को हीमोलिम्फ से डिफ्यूज करवा देती है, हीमोलिम्फ से डिफ्यूज करवा देती है इनटू द ट्यूब्यूल्स। तो एपिथीलियम ने क्या किया, जो सॉल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो हीमोलिम्फ से कलेक्ट करती है और उसको कहाँ डिफ्यूज करवा देती है, कहाँ ट्रांसपोर्ट करवा देती है, ट्यूब्यूल्स के ल्यूमन में, ट्यूब्यूल्स ल्यूमन में। नेक्स्ट अगर हम देखें, ओके, अब जब ट्यूब्यूल्स के ल्यूमेन में नाइट्रोजनस वेस्ट और सॉल्ट आ जाते हैं तो ये ट्यूब्यूल ल्यूमेन से फर्दर कहाँ चले जाते हैं, रेक्टम में। रेक्टम में वहाँ पर क्या होती है, मैक्सिमम रीअब्सॉर्प्शन होती है, रीअब्सॉर्प्शन हुई, रीअब्सॉर्प्शन से क्या होगा, जो यूज़फुल मटेरियल्स हैं, जो सॉल्ट्स, जो वाटर जो कि यूज़फुल है वो रीअब्सॉर्ब हो जाएगा और बाकी सारा मटीरियल एज अ फेसिस सॉलिड यूरिक एसिड के फॉर्म में क्या हो जाएगा, वो फ्रॉम द बॉडी रिमूव आउट हो जाएगा। तो अब यूरिक एसिड के फॉर्म में रिमूव हो रहे हैं वेस्ट मटेरियल और यूरिक एसिड के लिए बहुत कम पानी चाहिए होता है, तो इस तो जो वो एनिमल जो कि लैंड पर रहते हैं, लैंड पर सर्वाइव करते हैं, उन्होंने अपने अंदर ये अडेप्टेशन की हुई है टू सर्वाइव ऑन द लैंड, टू कंपनसेट द वाटर, टू कंजर्व द वाटर, के वो क्या करते हैं, अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को सॉलिड फॉर्म में और यूरिक एसिड के फॉर्म में रिलीज कर देते हैं ताकि मैक्सिमम अमाउंट जो वाटर की है वो विद इन द बॉडी कंजर्व रह सके।